अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी हूँ ठीक। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही खास है, बहुत स्पेशल वीडियो है। तो स्पेशल क्यों है ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इस वीडियो के दौरान मैं किसी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर, उनका चैनल का नाम है, उनका नाम है बुलबुल। तो उनका भाई का शादी हुआ है कल वीडियो मुझे देखने को मिला, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कल शादी, तो शायद पहले होगा। तो उनका भाई और भाभी, मतलब बुलबुल जी का भाई भाभी को मैं मुबारकबाद देने के लिए ये वीडियो स्पेशली बनाई हूँ। ऐसे तो मैंने कमेंट में उन लोगों को मुबारकबाद बोली हूँ, लेकिन मैं सोची नहीं स्पेशली एक वीडियो बना देती हूँ, वीडियो के दौरान मैं उन लोगों को मुबारकबाद दे देती हूँ। तो भाई और भाभी को मेरी तरफ से, मेरी और मेरी पूरी फैमिली के तरफ से शादी मुबारक हो, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप दोनों खुश रहे, आप दोनों का जोड़ी सलामत रहे, आपस में प्यार मोहब्बत रहे, आमीन सुमा आमीन, और सारी खुशियाँ आप दोनों की कदमों में चूमें। और आप जो न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, आपका ये लाइफ खुशियों से भर जाए, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। तो बस ये मेरी तरफ से ये दुआ है, आप लोग बहुत बहुत खुश रहें। और आप लोगों का जो ये शादी का वीडियो है ना, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। कल रात में ये वीडियो मैंने देखा तो 32 मिनट्स का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भी स्किप करके नहीं देखी थी, पूरा वीडियो देखी थी। ये जो कल मैं वीडियो देखी ना, इनका मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखिए, मुस्लिम का जो निकाह होता है ना, निकाह सेम होता है, लेकिन रस्म व रिवाज जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, अलग अलग राज्य का अलग अलग होता है। तो जैसे कि मैं बंगाल से हूँ, तो हमारा जो रस्म व रिवाज है वो पूरा अलग है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बहुत जल्द। तो पूरा अलग है, और उन लोगों का जो है वो पूरा अलग है। तो ये सब देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो पता है फ्रेंड्स, मैं ना हल्दी, फिर मेहंदी, संगीत, सब कुछ वीडियो में उनका देखी, सभी वीडियो देखी। मैं उनका वीडियो देखती हूँ, लेकिन ये जो खास खास वीडियो है ना, इसको मैं बहुत गौर से देखी हूँ। जैसे लग रहा था मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ, बराती में मैं भी हूँ, ऐसा लग रहा था, काश मैं भी जा पाती। तो मुझे कल रात में ही लग रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, मुबारकबाद इन लोगों को बता देती हूँ। तो फिर नहीं सोची कि नहीं, सुबह के टाइम ही बता देती हूँ और कल पोस्ट कर दूंगी इस वीडियो को। तो भाई भाभी, फिर से आप लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शादी मुबारक हो। तो बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के, और बुलबुल जी बहुत खूबसूरत लग रही थी। बुलबुल जी का जो लहंगा था वो बहुत सुंदर था, और लवली बाजी भी अच्छी लग रही थी। और हाँ, ऐसे में बुलबुल जी का जो निकाह सेरेमनी, फिर रोका सेरेमनी का वीडियो मैंने सब कुछ देखा है। आसिफा भाजी का वीडियो में मैं देखी थी, उनका जो रिसेप्शन, फिर निकाह का वीडियो, बारात जो है वो वीडियो मैंने आसिफा भाजी का वीडियो में देखी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। रिसेप्शन का जो वीडियो है उसका इंतजार है, और शादी का जो वीडियो था ना उसका भी मैं इंतजार कर रही थी, कब आएगा, लेकिन फाइनली कल रात में आया। तो जैसे ही आया मैं इतना ध्यान से देख रही थी, तो बाबू भी बोल रहे थे, मम्मा इतना ध्यान से क्या देख रहे, हस्बैंड भी बोल रहे, तो मैं इन लोगों को भी दिखाई तो बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है फ्रेंड्स, हमारा जो वेस्ट बंगाल में ना, हमारा दिन में शादी होता है, और हमारा रस्म व रिवाज जो की है बहुत अलग है, बहुत बहुत अलग है। आप लोग देखिएगा, मैं दिखाऊंगी आप लोग को बहुत जल्द। तो हमारा दिन में शादी होता है और निकाह सेम होता है, निकाह जैसे होता है मुस्लिम लोगों का वैसे ही होता है। पता है फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड लोग ना बहुत बोलते हैं तुम लोगों का शादी देखना है, बहुत इंटरेस्ट रहता है उन लोगों को मेरा, मतलब मुस्लिम शादी देखने का। तो वीडियो के थ्रू जो बुलबुल जी ने दिखाए ना, हर एक चीज उन्होंने दिखाए हैं, जैसे कि हल्दी रस्म में पूरा दिखाए थे, फिर क्या बोलते, मेहंदी सेरेमनी में भी पूरा दिखाए थे, फिर और क्या क्या रस्म हुआ था उन लोगों का, वो तो कितने दिन से वीडियो बना रही है, जब से वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं ना, तब से वो वीडियो बना रही थी, तब से मैं उनको फॉलो करते आ रही थी। उनका कुछ महीनों पहले उनका भाई का जो रिंग सेरेमनी हुआ, एंगेजमेंट, उसको भी मैंने देखा था। तो कितना अच्छा लगता है ना ये सब देखने में। और पता है फ्रेंड्स, मैं बाहर में रहती हूँ ना, अपने फैमिली से बाहर रहती हूँ, तो सबका जो शादी है ना वो मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। और हस्बैंड बहुत बिजी रहते हैं ना, तो इसलिए मैं
नहीं जा पाती हूँ और दूर भी रहती हूँ अपने घर से अपने फैमिली वालों से, तो शादी वगैरह मैं उतना अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब वीडियो देख के ही मेरा मन भर जाता है। जैसे कि मैं कल वीडियो देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लग ही रहा था कि मैं भी वहाँ पे बराती में पहुँच गई हूँ। तो इस टाइप का वीडियो मतलब जिन जिन का आता है मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ। और भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी, भाभी गरारा पहनी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी, थोड़ा सा हटके लुक था भाभी का। मैं सोची थी कि भाभी लहंगा पहनेगी, मैं ऐसे ही गेस कर रही थी कि शायद लहंगा पहनेगी क्योंकि जनरली लहंगा ही पहनते हैं अभी सब। तो भाभी ने थोड़ा सा हटके लुक दिखाई सबको, हटके लुक था भाभी का, तो गरारा पहन के भाभी बहुत अच्छी लग रही थी। और देखो अभी रिसेप्शन का वीडियो कब आएगा, उसका भी इंतज़ार कर रही हूँ मैं, रिसेप्शन का वीडियो कब आएगा। देखो आज ही आ जाएगा शायद, तो रिसेप्शन कैसे होता है इन लोगों का वो भी मैं देखूँगी। और सारा अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज़ मुझे वीडियो में नहीं दिखने को मिला है, वो खाना, मतलब जो खाना बुलबुल जी ने शायद सूट नहीं किए हैं खाना खाने का, वो चीज़ में मुझे नहीं दिखने को मिला है। ये चीज़ का थोड़ा सा कमी लगा, रिसेप्शन में शायद दिखने को मिलेगा, पता नहीं। अब हम रिसेप्शन का बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि हम ही जाने वाले हैं रिसेप्शन में, मैं खुद ही तैयारी वगैरह कर रही हूँ। मतलब भाभी जो आई घर में तो उसके बाद वहीं पे उन्होंने वीडियो को एंड कर दी, भाभी जैसे ही आई घर में वैसे ही वो वीडियो को एंड कर दी। तो उस टाइम और भी कुछ रिवाज होगा, रिचुअल कुछ होगा, तो शायद वो सब दिखाएंगे और शायद यही दिखाएंगे। रिसेप्शन पता नहीं कब आएगा, तो खाना वगैरह शायद रिसेप्शन में ही दिखने को मिलेगा। और हम मुस्लिम लोग का खाना खाने में तो बिरयानी ज़रूर रहता है। आसिफ बाबा जी देखिए गई नहीं है, आसिफ बाबा जी अपनी शॉपिंग की है, आसिफ बाबा जी का भी वीडियो मैं देखती हूँ, तो उन्होंने कुछ मतलब भाभी के लिए गिफ्ट ली है तो वो भी मैंने देखा है, और नोज पिन लिए हैं और ड्रेस ली है। कैसा ड्रेस ली है वो तो नहीं दिखाई है, बोले कि बुलबुल का वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आसिफ बाबा जी भी रिसेप्शन में जाएगी शायद, तो शायद नहीं, वो बोली रही थी कि बाराती में नहीं जा पाएंगे रिसेप्शन में जाएंगे, तो वो रिसेप्शन में जाएगी तो देखेंगे आसिफ बाबा जी भी कैसे लग रही है। आसिफ बाबा जी गिफ्ट में क्या देगी वो तो हम लोग को दिखा दी है, लेकिन हाँ ड्रेस भाभी को क्या दे रही है वो नहीं दिखाई है, वो तो वीडियो में बुलबुल जी का वीडियो में ही दिखने को मिलेगा क्या ड्रेस दिए। तो ये सब मिला जुला के बहुत इंटरेस्ट रहता है ना, क्या गिफ्ट मिला है, क्या क्या ड्रेस पहनी है सब कोई, कैसा लग रहा है सब, कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ये सब अच्छा लगता है ना देखने में, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा वीडियो देखो कितना लंबा हो गया, मैं सिर्फ सोची थी कि 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगी और जस्ट भाई भाभी को मुबारकबाद जनाऊंगी, तो देखो वीडियो मेरा कितना लंबा हो गया है। तो मतलब एक बात ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा लंबा हो गया है वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ, होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।